हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको बताने वाले इस गाड़ी की समस्या। इस गाड़ी में कंप्रेसर घोल हो चुका है, तो समस्याएं बताता हूँ। अधिकतर लोग जो होते हैं, ये कंप्रेसर वीक होने के कारण गाड़ी के इंजन खोल देते हैं। तो आपको एक के तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये हेड कवर जो मैंने अभी ये निकाला है, ये इसमें लगा होता है दो बोल्टों से, एक ये और एक इसके बोल्ट, ये 10 नंबरों से कसे होते हैं। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये है राकर। तो आपको इस राकरों को जो है, पहले इसकी टाइमिंग चेन सेट करना है। आपको बता रहा हूँ, ये है टाइमिंग चेन सेट करने का। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें होता है 1 नंबर और 2 नंबर। ये अपन ने इसको ये सीधा किया, ये आ गया ऊपर 2 नंबर। फिर अपन ने इसको फिर घुमाया तो ये आ गया 1 नंबर। तो ये 1 नंबर अपने को ऊपर लाना है, टाइमिंग एक सी रखना है। देख के अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि, और ये है। तो अपने को ये टैपेट बोल्ट है, ये देख सकते हैं आप, इसको ढीला करना है। और एक ऊपर वाला, एक है पेट्रोल वाला, एक कंप्रेशर ऑयल वाला। तो आपको इसको ढीला करना है और फिर इसके बाद इसको सेट करना है लेवल में मिला के। तो अभी मैंने इसको सेट करा हूँ, तो अब देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी बंद कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं गाड़ी में कंप्रेसर आ चुका है, गाड़ी किक में स्टार्ट हो रही है। गाड़ी में भाई बहुत परेशान थे, तो मैंने इनकी समस्याओं को हल कर दिया। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट अगली वीडियो में।